शुक्रवार 10 फरवरी को राजस्थान राज्य सरकार का बजट पेश किया जाना है। इसे देखते हुए व्यापारी वर्ग को बजट से कई उम्मीदें हैं। इसी संदर्भ में त्रिपोलिया बाजार व्यापार मंडल जयपुर के वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गुप्ता का राजस्थान सरकार से कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन की समुचित और सुगम व्यवस्था की जाए, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो और समय की भी बचत के साथ साथ राज्य सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। केंद्र सरकार ने गत दिनों संसद में आम बजट 2023 पेश किया था। बजट से आम लोग, व्यापारियों और कारोबारियों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थी। किसी ने बजट को देश हित में ऐतिहासिक कदम तो किसी ने बजट को सिर्फ चुनावी बजट बताया था। खैर, ये तो बात हुई केंद्र सरकार की। त्रिपोलिया बाजार व्यापार मंडल जयपुर एरिया से संबंधित समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया, जिसमें मुख्य समस्या यातायात और पार्किंग की समुचित व्यवस्था के साथ साथ शौचालयों की साफ सफाई और अच्छे से रखरखाव किए जाए, जिससे नागरिकों, व्यापारियों और देसी विदेशी पर्यटकों को रोजाना होने वाले परेशानियों से मुक्ति मिले। चलिए हम सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। राजेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष त्रिपोलिया बाजार व्यापार मंडल, प्रमुख सलाहकार जयपुर व्यापार मंडल। अभी जो केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ, उस संबंध में आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं? व्यापारिक दृष्टि से तो केंद्र सरकार के बजट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा व्यापार जीएसटी पे आधारित होता है और जीएसटी की पहले से ही है कि कई सारी जो स्लैब लगा रखी है उनको कम किया जाए और इफेक्टिव तरीके से उसको लागू किया। अभी जो राजस्थान सरकार का बजट पेश होना है, उसमें आप व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप बस स्टैंड बाजार के बिल्कुल नज़दीक ही है और सारा काम ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है, बाहर से जो भी ग्राहक आता है या यहाँ से जो भी जाता है वो अपना सामान लेकर के जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। पहले संसार चंद रोड के ऊपर करीब करीब सभी ट्रांसपोर्टें यहाँ पर थी, उनमें से अधिक तो विश्वकर्मा में कोई रोड नंबर 1 में, कोई 5 में, कोई 10 में, कोई अलग 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 जगह बिखर गई। और ये लोग भी जो बैठे हुए हैं ये हटे नहीं है, वहाँ के नाम पे चौगना पैसा वसूल। तो ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था है ये प्रॉपर होनी चाहिए ताकि बाहर से आने वाला ग्राहक को उसका रिलीफ मिल सके, क्योंकि ये अगर यहाँ से वहाँ पर ये वाला वहाँ करेगा तो किराया 5 गुना ज़्यादा। आपके इस व्यापार क्षेत्र में कोई विशेष कोई समस्या या सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से आप बता सकते हैं? देखिए, हमारे को निजी रूप से कोई समस्या नहीं है और न ही हमें सुना। हम तो ये चाहते हैं ग्राहक या टूरिस्ट जो भी आए उसको एक अच्छा वातावरण मिले, साफ सुथरा वातावरण मिले और कम से कम लेडीज़ टॉयलेट्स जो हैं वो एक प्रॉपर हो। बाहर से लेडीज आती है, दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो भी बाहर से आता है वो जयपुर शहर को गुलाबी नगर समझ करके आता है। यहाँ आऊँगा तो एक गुलाबी नगर निकलेगा, अलग ही अपने आप में एक पहचान दिखेगी। आज जिस तरीके से इस गुलाबी रंग की हालत हो रही है, ये मेरी ख्याल से अत्यंत दुखदायी है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज के नाम पे जरूर कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज के नाते कम से कम एक साफ सुथरा वेल मेंटेन आसपास का इलाका